सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जागृति पटेल। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर नीट एस्पायरेंट एंड आज की पाठशाला में हम बात करेंगे टॉपिक इज बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन और रिसर्कुलेशन। सो इसके रेफरेंस में आज टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज को हम लोग देखेंगे। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज सम मेडिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, दैट इज पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम। सो जो पल्स बीट है, बेसिकली पल्स बीट का जो मेजरमेंट है डियर बच्चों, जो भी उसका मेज वो होता है आर्टरीज के थ्रू। सो आर्टरीज के थ्रू पल्स का मेजरमेंट होता है। सो इस बात को याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स हार्ट फ्रॉम द ब्लड इज फाउंड। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट का जो बेसिकली ठीक है, ब्लड फ्लो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, वो जो फाइलम है बेसिकली वो एनिलिड्स है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है स्टूडेंट्स, और ये आप लोग को याद रखना है। सो इवोल्यूशनरी अगर ट्रेड से देखा जाए तो जो फर्स्ट ब्लड फ्लो है वो एनिलिड से स्टार्ट हुआ था। एंड इन द एनिलिड्स और ए एनिलिडा फाइलम एनिमल हैव द मेटामेरिकली सेगमेंटेड, द बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू अ सेगमेंटेड, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी। सो ये भी आप लोग को याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यूरिंग द डायस्टोल द हार्ट इज फिल्ड विथ। सो डायस्टोल के प्रोसेस में हार्ट फिल होता है। सो दिस इज अ वीनस ब्लड। ओके, दिस इज द वीनस ब्लड, और ए वी कैन से दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, देन वी कैन से दैट एच बी सी ओ टू। ओके, और ए इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। सो रिमेम्बर दीज पॉइंट्स, ये आप लोगों को याद रखना है कि डायस्टोल के कंडीशन में उस टाइम पर इम्प्योर ब्लड या वीनस ब्लड फ्लो होगा हार्ट में, या हार्ट फिल्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, कह रहा है ईसीजी, ईसीजी इज अ मशीन। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ मशीन टू रिकॉर्ड द डायस्टोलिक और ए सिस्टोलिक मूवमेंट ऑफ हार्ट बीट। ओके, सो ईसीजी रिकॉर्ड्स करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। सो ये बात याद रखेंगे। देन ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायस्टोल और सिस्टोल की रिदम या कॉन्ट्रेक्शन में डिपेंड करता है। सो इसको याद रखोगे तो ईसीजी रिकॉर्ड्स द पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये बात आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रेट ऑफ हार्ट बीट इज हाईएस्ट इन। सो हाईएस्ट रेट ऑफ जो होता है वो काफी कंडीशंस में पूछा जाता है। एक तो सबसे पहला कंडीशन होता है इन्फेंट्स में सबसे ज्यादा हाइयर हार्ट बीट होता है।
देन आपसे अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो रैट्स जो होते हैं माउस, उनमें क्या होता है बेसिकली बहुत ज्यादा हायर हार्ट बीट होती है, सो इसको भी आप लोग याद रखोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन अ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमंस में कितना ब्लड पर मिनट फ्लो होता है, ये क्वेश्चन है. और इसका जो आंसर है बेसिकली है दैट इज द 1.5 लीटर. सो 1.5 लीटर ब्लड पर मिनट ह्यूमन में फ्लो होता है, ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखोगे. ओके, सो काफी इफेक्टिव होता है, जो इम्पोर्टेंट है. ओके, और काफी पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और विच टाइप ऑफ द हार्मोन हैज नो इफेक्ट ऑन हार्ट बीट. तो हार्ट बीट पर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इफेक्ट नहीं करता है. सो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, ऑप्शन में देखना पड़ेगा. जैसे जो मैं क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ वहां से ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीटोसिन होगा. ऑक्सीटोसिन एक पार्चुरेशन में, देन एक मदर चाइल्ड हार्मोन है, ठीक है, लविंग हार्मोन है, लव हार्मोन है, उससे रिलेटेड होता है. तो इसका हार्ट बीट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, देर इज नो इफेक्ट इन हार्ट बीट, ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है बंडल ऑफ हिज इज द ग्रुप ऑफ, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो बंडल ऑफ हिज है तो ये किसका ग्रुप होता है. बेटा ये जो ग्रुप होता है ये एक मसल्स फाइबर का ग्रुप होता है. और तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है बेसिकली, सो वहां से लेफ्ट ऑर्किल में देन प्योर ब्लड और उसी के जस्ट जो अपोज में रहेगा वेंट्रिकल में, ठीक है, इम्प्योर ब्लड से फिल्ड होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है डिफरेंट टाइप की. वी कैन से डेट ब्लड वेसल्स के थ्रू. ओके, देन जो कॉन्ट्रेक्शन की वेव होगी बंडल ऑफ हिस तक, ओके, डिफरेंट टाइप के चैम्बर्स के थ्रू होते हुए आती है. ओके, देन परकिंजे फाइबर्स में जाती. तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ और ए ग्रुप ऑफ द मसल्स फाइबर, सो इस बात को याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. कह रहा है द नॉर्मल हार्ट रेट इज 72 पर मिनट इज मेंटेन बाय. अब हार्ट का एक और भी नाम होता है हार्ट, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, बट दिस इज आल्सो नोन एज एसए नोड और ए पेसमेकर. इसको एसए नोड भी बोलते हैं और पेसमेकर भी कहा जाता है, सो इस बात को याद रखेंगे. एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर और ए एट्रियल, दोनों ही नेम इसके सही हैं, एट्रियल नोड, सो इसे आप लोग याद रखोगे, ठीक. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सो ये इंपॉर्टेंट होता है. तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है ह्यूमंस में. सिस्टोलिक प्रेशर आपसे पूछ रहा है ह्यूमंस में कितना होता है. देखिए सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो वी कैन से दैट द हायर और ए हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज दैट 120 mmHg, दैट इज द 120 mmSg. तो सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 90 mmHg, सो इसको भी याद रखेंगे. ओके, सो आई होप दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू ऑल माई स्टूडेंट एंड थैंक यू टू
वॉच दिस लेसन. थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट एंड कीप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर फॉर द बेटर प्रिपरेशन ऑफ नीट टू अदर स्टूडेंट्स. थैंक यू.